हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर आपके लिए लाए हैं एक न्यू वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारे पास वैरायटी है वो वाइट सेला साइजर बंड की है। और मैं आपको एक बात और पहले बता दूँ, जो हमारा ये बंड होता है ये पूरा चावल बोला जाता है, मतलब ये बंड जो है इसको पूरा चावल बोला जाता है। और अगर जो हमारा चावल होता है जो बीच में से टूट जाता है उसे हम ब्रोकन बोलते हैं। तो इस वैरायटी की पहचान कैसे करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात कर लें इसकी वैरायटी की, तो वैरायटी तो मैंने आपको बता ही दी है कि हमारे पास वाइट सेला साइजर बंड की है। और इसकी पहचान कैसे की जाती है, तो इसकी पहचान ऐसे की जाती है, ये एकदम थिन होता है, पतला होता है, थिन होता है, पतला होता है, पतला ग्रेन होता है, एकदम बारीक ग्रेन होता है। और अगर ये जो भी बारीक हमारे, जैसे हमारे पास सैंपल है, वहाँ पास काफ़ी सारे ग्रेन हैं, जैसे कि हम चावल लेके आए कहीं से ख़रीद कर, और उसमें अगर हमारे जो भी ग्रेन पतले ग्रेन हो, जैसे कि ये ग्रेन जो आपको दिख रहे हैं पतले पतले ग्रेन, थिन ग्रेन जो आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे ही अगर जो ग्रेन होते हैं ये सारे के सारे ग्रेन हमारे साइजर ग्रेन कहलाते हैं। और अगर हम इसकी लेंथ की बात कर ली जाए तो इसकी लेंथ हमारी 8-20 से लेकर 8-30 mm तक आ जाती है, ज़्यादा भी आ सकती है, बट इसकी तो 8-20 से लेकर 8-30 तक ही आई है। और हम आपको बता दें कि जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ना इसमें, कि इसमें ब्लैक ग्रेन भी हैं और कुछ येल्लो ग्रेन भी हैं, बट हमारे जो येल्लो ग्रेन होते हैं वो हमारे रिएक्शन में आते हैं और ब्लैक ग्रेन होते हैं वो सटाका ग्रेन में आते हैं। बट अगर हम बात कर लें साइजर की, तो दोस्तों ऐसा है जो भी ग्रेन हमारे अगर पतले हैं, या तो अगर वो ब्लैक हैं या फिर वो येल्लो हैं, बट वो पतले ग्रेन हैं, मैटर कलर नहीं करता है, कलर जैसा भी हो, बट अगर ग्रेन हमारे पतले हैं तो वो साइजर में ही आएंगे। ये बात याद रखना आप, कलर मैटर नहीं करता है, कलर कौन सा है हमारे ग्रेन का, येल्लो है, ब्लैक है, वाइट है, कलर कैसा है, कलर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर हमारा ग्रेन पतला है और उसका अगर कैसा भी कलर है, मतलब कलर कोई सा भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, येल्लो भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, रिएक्शन भी होता है उसमें, सटाका भी मिक्स होता है, बुलर भी मिक्स होता है, कलर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि हमारा ग्रेन कैसा है। अगर ग्रेन पतला है तो वो ग्रेन हमारा साइजर में ही आएगा, साइजर ग्रेन ही माना जाएगा वो पतला ग्रेन हुआ। और अगर हम इसकी सॉकिंग की बात कर लें, सॉकिंग हमारी इसकी 2 घंटे लगेगी, सेले का चावल है, 2 घंटे हमारी सॉकिंग लगेगी इसकी। और अगर हम इसकी कुकिंग की बात कर लें, कुकिंग जो है वो हमारी 15 से 16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी इसकी कुकिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो से अगर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में।